तो क्या दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सर लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1100 के बारे में। जी हाँ, 1100। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। अब एपिसोड की स्टार्ट वही जाती है पर देखने को मिलता है अकाउने के पास खबर पहुंच जाती है कि वेगापंक के साइड लेने पहुंच चुका है स्ट्रॉहैट यानी कि लूफी, और वो वेगापंक को बचाने की बात कर रहा है, जिसको देख के काइनो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और क्या होता है चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है यहाँ पे। और इससे ये भी पता चलता है कि जो वेगापंक है उसको अंदेशा हो गया है कि किस तरह जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो एलिमिनेट करना चाहती है उसे। अकाइनो को पता होता है कि अगर स्ट्रॉहैट जो है वो वेगापंक का साथ देने वाला है तो बहुत सारी कैजुअल्टीज जो होंगी वहां होंगी, और वो किजारू के बारे में पूछने लगता है। तो पता चलता है किजारू जो है वो भी एगहेड के लिए निकल चुका है अपने मिशन पे काम करते हुए, और ये चाहता है कि लूची को रोक के रखा जाए जब तक नेवी कमांडर्स पहुंच नहीं जाते वहाँ। कुछ भी हो जाए उसको स्ट्रॉहैट से फाइट बिल्कुल नहीं लेनी है। लेकिन उधर देखने को मिलता है लूची जो होता है अपना लच्चापन दिखा चुका होता है और उधर फाइट स्टार्ट कर ही चुका होता है। सारे लोगों को वहां से निकलने के लिए कहा जाता है। एटलस को उठाता है जिनबे, और चॉपर जो होता है वो कैरी करता है बोनी को, और ये लोग यहां से जा रहे होते हैं। ये लोग बुला रहे होते हैं लूफी को, लेकिन जो लूफी होता है वो गुस्से में खड़ा होता है और वो फाइट करने के लिए तैयार होता है लूची से। हालांकि ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि लूफी जो है अभी फाइट करे, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है उनके अगेंस्ट में है और ऊपर से एटलस भी इंजर्ड है, तो ये नहीं चाहते हैं। लेकिन लूफी जो होता है वो कहता है तुम लोग आके निकलो, मैं आता हूँ इसको संभाल के। लूफी जो होता है सीधे लूची की तरफ बढ़ता है, वहां पे एकदम तूफान जैसा माहौल हो जाता है और जो पावर की वेव होती है वो सबका फील होती है। लूची उसको डॉज करता है, मारने की कोशिश करता है, लूफी डॉज करता है, लूफी डॉज आराम से करता रहता है लूची को और एक लात उसे मारता है, लेकिन वो किसी तरह डिफेंड करने में कामयाब होता है लूची। फिर दोनों अपने हाकी का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे पे अटैक करते हैं और जल्दी जल्दी अपने हाथों से वार कर रहे होते हैं। लूफी जो होता है उसके हाथ को रोकता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लूची जो होता है वो डॉज करता है और एक तगड़ा सा पंच मारता है लूफी को। लूफी उड़ता हुआ पीछे जाता है, हालांकि उसको ज्यादा इंपैक्ट होता नहीं है। दोबारा से वो खड़ा होता है, वो पोजीशन में आ जाता है और अपनी जैकेट को उतार के फेंक देता है, और लूची जो होता है वो बोलने लगता है वो वांटेड पोस्टर पे तेरी कैसी फोटो है। तो लूफी कहता है क्या तू क्यूरियस इसके बारे में? तो कहता है चल मैं दिखाता हूँ, और वो स्माइल करता है, वो अपने आप कॉन्सेंट्रेशन में ले आता है। देखने को मिलता है उसको फील होने लगती है पावर, और ड्रम ऑफ लिबरेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। जॉय वॉय की जो एंट्री होती है वो फील होने लगती है, जॉय वॉय दोबारा से यहाँ आने लगता है, और देखने को मिलता है इसके बाल कन्वर्ट हो जाते हैं, चेस्ट बड़ी हो जाती है, कपड़े का कलर चेंज हो जाता है, और जॉय वॉय यहाँ पे वापस आता दिखता है और गियर वाइब बन जाता है, जिसको देख के लूची की जो आंखें होती हैं वो फटी रह जाती हैं, वो मुस्कुराता है, और जो एनिमेशन होता है वो दोबारा से वो लाफ्टर वाले में चेंज हो जाता है। इवन चॉपर और जिनवे होते हैं वो भी देख के शॉक में होते हैं कि ये लूफी ही है। द वॉरियर ऑफ लिबरेशन इस बैक बेबी। उधर से लूची जो होता है वो कहता है ये तो फन होने वाला है, लूफी जो होता है वो हंस रहा होता है, और एक ही झटके में लूची तक पहुंचता है और एक पंच मार के उसे उड़ा देता है, जिसके बाद लूची जो होता है बहुत ही दूर गिरता है जाके। लूफी जो होता है गिरता पड़ता संभलता हंसता रहता है, और उसकी पूरी की पूरी स्ट्रॉहैट की टीम होती है वो देखती है और वो शॉक में होती है। नामी जो होती है वो कहती है यानी लूफी इस तरह का दिखता था जब उसने काइडो को पीटा था इतनी बुरी तरह से, और शाका जो होता है वो कहता है ये तो व्हाइट वॉरियर है, और व्हाइट वॉरियर का नाम सुनते ही वेगापंक जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उधर से उधर देखने को मिलता है जो लूची होता है वो भी अब तैयार होता है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और उसकी पावर भी बढ़ चुकी होती है, और इसकी भी जो फ्रूट होता है वो अवेकन हो चुका होता है, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी और ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है, और ये स्ट्रॉन्गर बन चुका होता है पहले से बहुत ज्यादा। बहुत ही तेज स्पीड से भागने लगता है लूची, और लूफी को दिखाई भी नहीं दे रहा होता है इतना तेज होता है, और जो शाका होता है वो बताने लगता है कि ये बहुत ही रेयर है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो जोन टाइप फ्रूट अवेकन्स होते हैं वो यूजर की पर्सनैलिटी को ही खा लेते हैं, वो निगल लेते हैं उस चीज को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो चुका है। जो लूची है वो अपने कॉन्शियस में है और वो तेजी से मूव कर रहा होता है, अटैक करने ही वाला होता है लूफी के। लूफी इधर उधर देख रहा होता है, लूफी उसे डॉज करता है आराम से, लूची जो होता है उसका पीछा करने लगता है, लूफी इजिली उसको डॉज करता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है, और यहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। वेगापंक जो होता है वो भी वहां पहुंच जाता है और वो देखता है लूफी को और बिलीव नहीं कर पाता है, और वो नामी से पूछ रहा होता है आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो वो बताने लगती है ये गम गम फ्रूट की पावर है, हालांकि लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। तो जो वेगापंक होता है वो फाइनली बताने लगता है गम गम फ्रूट जैसा कोई फ्रूट प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, और कोई भी एनसाइक्लोपीडिया में उस फ्रूट के बारे में जिक्र ही नहीं है। और वो लूफी को देखता है और कह रहा होता है कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है लूफी, और कहने लगता है कि ये एक पेड़ की तरह ही है और इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूफी से यहाँ मिल पाएगा। सांजी जो होता है वो बोलने लगता है अगर तेरे को कुछ पता है एटलीस्ट हमें भी तो बता। वो उसके बाद वो बताने लगता है जो ये दिख रहा है ये रिजेंबल करता है पुरानी बुक्स में जो लिख दे रखा था उससे, ये रिजेंबल करता है
गॉड से, भगवान से। जिसको सुन के ये लोग भी शॉक होते हैं और सांजी कहता है लूफी है ये, वो एक इडियट है, गॉड नहीं। लेकिन रॉबिन जो होती है वो भी कहती है क्या ये रिजेंबल करता है गॉड से, और वो देख के ये शॉक में होती है। जिसके बाद वेगापंक जो होता है वो कहता है बिल्कुल, और ये है वॉरियर ऑफ लिबरेशन जो कि एक फूल की तरह प्ले करता है, लोगों के मुंह पे स्माइल लाता है, और इसको कहा जाता है द सन गॉड निका। लूफी वहां जोर जोर से हंस रहा होता है और इधर उधर उसकी बॉडी कर रही होती है। लूची और लूफी के बीच में फाइट अभी भी कंटिन्यू रहती है तेजी से, और नामी जो होती है वो कह रही होती है निका ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं था। जिस पे वेगापंक जो होता है वो बताने लगता है कि उसको हिस्ट्री से ही इरेज कर दिया गया था, क्योंकि जब तक लोग जो है उसको ध्यान में रखेंगे वो एग्जिस्टेंस से डिसअपीयर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो तभी लाई जाती हैं जब उसका डिजायर किया जाता है, जब वो डिजायर में आता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे डेविल फ्रूट्स की जो पावर है वो हमारे थॉट से ही उजागर होती है। जिसको जिस तरह की पावर की इच्छा होती है वो वैसी पावर मांगता है, उस तरह का मैनिफेस्टेशन से जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो हो पाता है और डेविल फ्रूट पैदावार होती है। लूफी जो होता है वो चेंज करता रहता है अपनी बॉडी को और मूव करता रहता है तेजी से, और लूची और लूफी के बीच में बहुत तड़क क्लैश चल रहा होता है और चारों ओर डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिलता है। वहां देखने को मिलता है सेंतोमारू, जो सेंतोमारू होता है वो कैप्टन होता है नेवी हेडक्वार्टर के साइंस टीम का, और बोल रहा होता है ये कोई प्ले ग्राउंड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पायरेट्स के लिए। सेंतोमारू के पास फोन आता है वेगापंक का, और वेगापंक से ये बोल रहा होता है आज तो मेरी छुट्टी है, तू चाहता क्या है और मैं करूँ क्या यहाँ पे। और साइफर बोल जो है वो हमारे दोस्त हैं और पायरेट जो है वो हमारे एनिमी हैं, क्या इसे फाइट करना चाहिए CP0 की तरफ से। तो वेगापंक जो होता है वो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है सेंतोमारू, और बात ऐसी है कि CP0 का जो अभी करेंटली टारगेट है वो मैं हूँ। और जो वेगापंक होता है वो चाहता है कि सेंतोमारू फाइट करे लूफी की तरफ से, और जो ये नेवी वाले लोग आए हैं इनको यहाँ से भगाने में मदद करें। जिन भी जो होता है वो देखता है अपने आप और कह रहा होता है कि यार इन लोगों ने तो वार्डलोड का ही क्लाउन बना दिया है। और अब ये टाकू देखता है इन लोगों को तो अब ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि लोग पता होता है जो सर्पियम है वो फाइट करने वाले हैं, और तीन सर्पियम और सेंतोमारू मिलकर अगर इससे फाइट करेंगे तो ये लोग बहुत ही मुश्किलात में आने वाले हैं। एस बियर जो होता है वो आगे जा रहा होता है लड़ने के लिए, क्योंकि काको से ऑर्डर देता है, लेकिन उतने में जैसे ही सेंतोमारू ऑर्डर देता है एस बियर जो होता है वो भी इन लोगों के अगेंस्ट हो जाता है और वो गवर्नमेंट के ऊपर ही अटैक कर देता है। अब ये लोग ट्रबल में आ जाते हैं, बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जो सेंतोमारू है वो अब डिस्ट्रक्शन मचाने लगता है इन लोगों की तरफ से। जो पैसिफिस्टा है वो फॉलो करता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जो सबसे ऊपर हायरार्की होती है अथॉरिटी होती है वो होती है पांचों एल्डर्स की। जो एल्डर्स होते हैं वो अगर ऑर्डर देंगे तो इन पैसिफिस्टा को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद नंबर आता है वेगापंक का और उसके सारी क्लोन्स का, उसके बाद आता है नंबर सेंतोमारू का, उसके बाद कहीं अथॉरिटी चिप जो होती है वो इन लोगों के पास, यानी जो सीपी इग्निस है जीरो है उन लोगों के पास, और सेंतोमारू का कमांड जो है वो प्रायोरिटाइज होगा इन लोगों के कमांड के ऊपर, तो सेंतोमारू जो है वो इजिली इन लोगों को ओवरटेक कर सकता है। तो काको जो होता है वो कहता है क्यों ना फिर फाइव एल्डर्स को फोन करके कहा जाए, वो डायरेक्टली ऑर्डर दे सकता है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो बताने लगती है कि ऑर्डर जो है वो अगर रियल में ही पर्सन प्रेजेंट होगा तभी माना जाएगा, फोन पर ऑर्डर जो होगा वो माना नहीं जाएगा। उधर देखने को मिलता है लूची और लूफी के बीच में अभी भी फाइट जो होती है कंटिन्यू चल रही होती है, दोनों अपने पूर्व पावरफुल से अटैक मार रहे होते हैं। लूफी जो होता है टेक इट इजी करता है और चिल होके इधर उधर उछल रहा होता है। लूची पूरी कोशिश करता है लेकिन उससे अटैक लगता नहीं है लूफी के ऊपर। लूफी जो होता है एक पंच मारता है तगड़ा सा और लूची को कनेक्ट होता है, लूची का जो खून होता है वो निकल जाता है। उधर से सेकंडमारू जो होता है वो अटैक करने के लिए इन लोगों को बोलता है, और जो फाइट होती है पूरी चरम सीमा पे चल रही होती है। लूफी जो होता है इजिली डॉच कर रहा होता है, अपनी मसल का पावर का इस्तेमाल करता है। लूची जो होता है इधर उधर मूव कर रहा होता है तेजी से, लेकिन लूफी उस पर कनेक्ट करने में कामयाब होता है। काकू के ऊपर सेरपियम जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं, और लूफी जो होता है वो सेकंडमारू से मिलता है और उसे एक्स कह के बुलाता है, और वो लूफी से पूछने लगता है क्या तू ओल्ड मैन पंक को यहाँ से ले जाने वाला है। तो ये कहता है कि हाँ उसने मेरे से पूछा है और मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, और वो बिलीव नहीं कर पाता है कि ये एम्परर ऑफ द सी बन गया है। उतने में देखने को मिलता है लूची जो होता है पीछे से आता है और सेंतोमारू के ऊपर सीधे अटैक करता है, उसे मार के नीचे गिरा देता है और उसका हाथ पूरा लहूलुहान हो जाता है और सेंतोमारू जो होता है वो नीचे गिर जाता है। लूफी देख के एकदम परेशान हो जाता है और लूची जो होता है वो बोलने लगता है जो कमांडर है उसको टेक डाउन कर देंगे तो जो सेरपियम है हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करने लगेंगे, और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। अगले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा लूची और लूफी के बीच जो ये फाइट है ये कब से शुरू हुई है और किस तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से लूची काकू और ये सारे लोग लड़ने आए थे, जिसके बाद इनके अगेंस्ट फाइट शुरू कर दी थी लूफी ने।
तो ये एक रिकैप वीडियो की तरह हो सकती है। अगला वाला जो वीडियो होगा वो शायद एक फिलर एपिसोड हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।